अगर तुहार लैके एह तरह करे तब तू उनके कर देबू बबता कहता नहीं हमार लड़के अगर एह तरह भाग के ब्याह करी है प्रेम मोहब्बत से ब्याह करी है तो हम नहीं करे देबा लेकिन हम अपन शादी प्यार मोहब्बत से करब। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती रहा बिरजू उनके गाँव में गए लाना वहीं पर नया नचार भेल और ओकरे बाद का भेल बाबा साहब की जयंती तो बकनिया आपके गांव में आए थे तो क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं है प्यार हो गए कितना दिन प्यार चला 4-5 साल। नमस्कार प्रणाम शस्त्रिया काल अदाब गौर लगता नहीं हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा में हम आयल बाटी और आज एक प्रेमी जोड़ा जो कि शादी कर लेला है और शादी दोनों परिवार के राज्य से मंदिर में रचाइल है और बात करब मोहब्बत कब से चलतल है कब जाकर के कितना दिन के बाद जाकर के दोनों एक भइल है का पूरा मामला है इन लोगन से ही जानब। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बिरजू। कहाँ घर है? सिसवा। कब से आप इनको जानते हैं? दो चार साल से। कैसे शुरुआत हुई कहाँ से चालू किए आप मोहब्बत? हो गया था कैसे हुआ पूरा कहानी कैसे शुरू हुई पहली मुलाकात कहाँ होती? गांव में आए थे। गांव में क्या करने गए थे? अरे कुछ था वहाँ पे। अच्छा कोई प्रोग्राम था वहाँ? हाँ प्रोग्राम था। तो वहाँ ये क्या करने आई थी? जयंती में बाबा साहब के। अच्छा गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती रहला बिरजू उनके गाँव में गए लाना वहीं पर नया नचार भेल और ओकरे बाद का भेल? प्यार हो गए। कितना दिन प्यार चला? 4-5 साल। क्या आप लोग भाग गए घर से? भागे भी थे का? नहीं भागे नहीं थे है। थाने पे आए। कौन? हम दोनों लेकर के। माता पिता किसके राजी थे? आपके पिता जो राजी थे? दोनों राजी थे है? दोनों पहले राजी थे? नहीं पहले नहीं थे। किसके पिता? किसी के पिता नहीं रहे। आपके पापा क्या कहे? हमारे पापा फिर राजी हुए। क्या कहे पहले क्या कहे? आपको मना नहीं किए? नहीं मना नहीं किए है। क्या नाम है आपका? बबिता। कब से इनको जानती हो आप? 4-5 साल हो गए। 5 साल से। कहाँ आपको मिले थे? बकैनिया। क्या करने गए थे? बाबा साहब की जयंती। तो बकैनिया आपके गांव में आए थे तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं है। प्यार हुआ। कैसे प्यार हुआ? नंबर वंबर कैसे पा गया आपका? कोई सपोर्ट लगाया था। कोई सपोर्टर था बीच में आप दोनों के? कौन था? क्या नाम था उसका? अब तो खोल दो तो हो गया शादी हो गई ना। सरता। वो किसके आपकी सहेली थी? हाँ। तो सरता क्या कही? उसने नंबर दी सर। अच्छा सरता नंबर दी इनको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं। बात होते हुआ। अच्छा ये बताओ बबिता का तुमके जो माता पिता 1 साल से लेकर के 18 साल तक तुमके सयान कैला ओकरे बाद 4 साल की मोहब्बत और प्यार में उनके सपना के तू ठुकरा दे का कहबू ये पर? माई दादा जो तुमके 1 साल से लेकर 18 साल तक तुम्हें पाल पोस के सयान कैला ओकरे बाद तू एकाएक इनसे मोहब्बत के दिलू माई दादा के सपना के प्यार के तू ठुकरा दिलू ये पर का कहबू? अगर तुहार लैके एह तरह करे तब तू उनके कर देबू? बबता कहता नहीं हमार लैके अगर एह तरह भाग के ब्याह करी है प्रेम मोहब्बत से ब्याह करी है तो हम नहीं करे देबा लेकिन हम अपन शादी प्यार मोहब्बत से करब। आज माई दादा के दर्द माई दादा के जो सपना रहल कि लड़की पैदा भइल है 18 साल के बाद बहुत धूमधाम से ओकर ब्याह करब उ का जानत रहे कि वो ब्याह वो सपना सपना ही रह जाए है? माई दादा का जो सपना रहल है लड़की हमारे पैदा भइल बा देख के बढ़िया ब्याह करब बढ़िया घरे जाए ये सपना कहाँ ठुकरा दे लू? कितना उम्र है तुम्हारा? 19 साल। 19 साल। कितने में पढ़ाई की हो? 10 तक। 10 में। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहें। अब प्यार मोहब्बत में शादी में बदल गए बा?
अब रखेंगे इसको। रखेंगे कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे जैसे सब रखते हैं। है तो उनके रखने का मतलब यह है कभी भी अब इसको कोई कष्ट आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा। नहीं देंगे। माई दादा यो तो है सबसे पहले लड़का ताना मारा जो भगा के ले जाला। तो भगेलवा कहबा? नहीं मैं भगा के ले आये हूँ। नहीं नहीं शादी किए जैसे दान दहेज लेके नहीं जा रही है तो उसको क्या कभी ताना नहीं मारेंगे ना? ताना मारना रहता ले ही नहीं आते। कभी छोड़ेंगे नहीं? नहीं, नहीं। एक साथ रहेंगे आप? साथ ही में रहेंगे। भैया बिरजू और बत्ता की जोड़ी 4 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती में बिरजू इनके गांव में जाना और गांव में जाते जाते वो भीड़ भाड़ में लाखों सैकड़ों के संख्या रहा लेकिन बिरजू का नैना इनसे मिल गए और मिलने के बाद एक दूसरे के बीच में एक इनकर सहेली सरता रहलिन है जो कि डांकिया का काम कैलिन और डांकिया का काम करत करत मामला इतना आगे बढ़ा दिलिन कि बिरजू और का नाम का बबता बिरजू बबता एक दूसरे के बिना रह ना पौला और माई दादा का जो सपना रहा है उस सपना के त्याग करके दोनों लोग थाने पे आ गए ना। थाने पे आ गए ना तो दोनों लोगन के परिजन भी थाने पे आई ना। मामला के निपटा के बात कोई करके दोनों लोगन के शादी आज मंदिर दानीनाथ दनघटा शिव मंदिर पर हो गई और अब बिरजू कहत बाटे कि हम इनके एको प्रकार के कष्ट ना देवे और दोनों लोग एक दूसरे से बहुत खुश हुआ। लेकिन मामला यहाँ जो समाज जो बंधन बनल बा जात बिरादर में शादी ब्याह होला तो बढ़िया होला लेकिन ये गैर बिरादर बात है। ओकरे बाद भी इनके आगे इनके माई दादा सब हार गेल बाटे और जब इनसे हम पूछली अगर तुहार लड़की ए तरह से भाग के या प्रेम विवाह कह के कोहू से शादी करे तो तू करे देबू राजी होबू तो कहलिन नहीं हमार लड़का भाग के ब्याह न करे लेकिन हम भाग के ब्याह कह सकीला। लेकिन लोगन के पहले सोचे के चाहे हम प्यार मोहब्बत की बात उसके बतावत आती जोन माई बाप अपने लड़की के हर सुख हर मोहब्बत कह के ओके पाल पोस के बड़ा करेला और 2 साल के 1 साल एक महीना के मोहब्बत में माई दादा के प्यार के ठुकरा के और के साथ चल जालिन। बनला चैनल के साथ यही तरह दिखाई भर खबर अपने चैनल पे तब तक के लिए नमस्कार राम राम।